सर इस समय हम म्युनिसिपल कमेटी में हैं, लिहाजा अभी देखा जाए तो यहाँ का अभी टाइम सिर्फ 2:30 बजे हुए हैं। तो ये है अनिया म्युनिसिपल कमेटी की असली हकीकत जो आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे अनिया म्युनिसिपल कमेटी में देख सकते हैं जैसे चेयरें सारी खाली की खाली पड़ी हैं, दफ्तर में कोई नहीं है। ये अनिया में है और देख सकते हैं ये इन्होंने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, और उसके साथ देख सकते हैं ये हमारे यहाँ पे किस तरह से दावत चल रही है। और ये पूरी दावत, ये अभी सिर्फ 2 बंदे हैं जो यहाँ पे दावत कर रहे हैं और बाकी भी कोई नहीं है इस म्युनिसिपल कमेटी में। और यहाँ पे प्रोग्राम भी बनाया जा रहा है। 100 बंदे 2 बंदे बैठे थे जी सर, सिर्फ 2 बंदे हो। हाँ 2 बंदे ठीक है, लेकिन सर नीचे क्या पड़ा हुआ है और बड़ी शर्म की बात है कि हमारे म्युनिसिपल कमेटी में मतलब कि दारू और शराब और मुर्गा शुरगा चल रहा है। और हमारे गांव की हालत देखिए, हमारा गांव इतना बड़ा टाउन है सारे जम्मू कश्मीर में, लेकिन इसकी हालत देखिए इतनी मतलब बुरी हालत है कि आप बाजारों में गलियों में बस स्टैंड का हमारा पार्क है बांध देखिए, कोई भी जगह है इतनी गंदगी है कि हमारा वहां से निकलना मुश्किल है। और ये जो म्युनिसिपल कमेटी वाले हैं आए नित्य दिन जब भी किसी का छोटा मोटा कोई काम शुरू करता है तो उसके डिमांड करते हैं जी हमारे पहले कमेटी ऑफिस में आइए परमिशन लीजिए, नहीं तो 10-5 हज़ार रुपये दीजिए और काम चलाइए। मैं पूछता हूँ तो जो जो हमारे से जो मतलब अपने शॉप से और हमारे घरों से जो कलेक्शन करते हैं महीने का कूड़ा के लिए, उसके लिए भी ऑटो कभी कभार दिन में आता है कभी नहीं आता है। अब हम जब सफाई कर्मचारी के ठेले में डालने की कोशिश करते हैं तो वो बोलते हैं भाई आपके लिए तो ऑटो लगा हुआ है, फिर आप हमारे ठेले में क्यों डाल रहे हो। लेकिन हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं यार कोई आ नहीं रहा है, हमारे घर में गंदगी बदबू आ रही है, 3 दिन हो गया कूड़ा किसी ने नहीं उठाया, तो उनको रिक्वेस्ट करते हैं वो बेचारे ले जाते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम इनको महीने का 100 रुपया शॉप का और 100 रुपया घर का देते हैं तो ये हमारा सफाई क्यों नहीं होती। क्या ये जो जो पैसा है ये हमारा अपने शराब और मीट के लिए उठा के ले जाते हैं, और ऐसी हरकत के लिए मैं इनको बहुत निंदनीय हरकत की है इन्होंने, और मैं कहता हूँ इनके ऊपर बहुत बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए और सारे स्टाफ को यहाँ से चेंज करना चाहिए क्योंकि इन्होंने करप्शन का अड्डा बना रखा है यहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी को। जय